हेलो दोस्तों, आप सभी का आईफेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ सीएसआईआर नेट जून 2024 की जो एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म छूटे हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक कैसे फॉर्म फिलअप को करना है, क्या प्रोसीजर है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर कहाँ से डाउनलोड करना है, जो भी चीजें है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने तक की सारी की सारी इंफॉर्मेशन में देने वाला। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक जरूर देखें, शायद पॉसिबल है वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन जाए, लेकिन सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आपको हर एक स्टेप को प्रॉपरली समझना है, देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को csirnet.nda.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही जाते हो आपको स्क्रीन पे ये दिख जाएगा। अब स्क्रीन पे इसको देखने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो सीएसआर नेट है वहां पे क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन, आपको अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड उनको चाहिए होगा, ठीक है, एंड सिक्योरिटी पिन एज शून बिलो, जो बिलो वाली पिन है उसी को मेंशन करना है। बट ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईयर पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईयर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आता है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें सारी डिटेल में जानकारी दी गई है सीएसआईआर नेट के एग्जाम के बारे में, छोटी से छोटी सारी की सारी जानकारी। इसमें फीस के बारे में भी यही पे मेंशन किया गया है। तो फीस जो है आपको ये अमाउंट आपको एंड में पे करनी पड़ेगी, 1150 फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, सेंट्रल लिस्ट, ओके, जिसको रहेगा 600, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए क्या रहेगा 325, ओके। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल, ओके। तो इसके बाद आपको नीचे जाओगे तो आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर और ब्लैक व्हाइट बट विद क्लियर कॉन्ट्रास्ट, सो प्रॉपर वो दिख जाए। उसके बाद स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, तो आपके जो अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी फॉर्मेट में हो। साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ ये 10 KB से 200 KB तक हो, सिग्नेचर के 4 से 30 तक हो, एंड सर्टिफिकेट अगर होगा कोई पीडब्ल्यूडी का होगा, एससी एसटी का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो वो जो साइज है उनका 10 KB से 300 KB तक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पासवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए पासवर्ड डालते टाइम, एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल लेटर्स जो है कैरेक्टर से वो हो, और कुल मिला के 8 से 13 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। पासवर्ड को चेंज करना हो तो क्या प्रोसीजर होती है, यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसका भी मैं आगे जाके इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो उसका आंसर आप देते हो तो आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। वेरिफिकेशन कोड वाया टेक्स्ट इससे भी हो जाएगा, एंड रिसेंट लिंक वाया ईमेल इससे भी हो जाता है, एंड एंड में जाके और स्क्रॉल डाउन करोगे तो एंड में जाके आपको यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाती है, जहां पे रहेंगे आई हैव आधार नंबर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको नीचे आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। आई हैव डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर अकाउंट, आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट, ओके। कुल मिला के आपके पास या तो पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड होगा, तो दोनों में से कोई ना कोई एक डाल दीजिएगा। उसको डालने के बाद आपको यहाँ पे वो डालने का, तो ओटीपी जनरेट करने के लिए पूछे जाएंगे, तो आपके आधार और पैन कार्ड आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड हो, वो मोबाइल नंबर आपके अभी चालू हो, ऐसा ना हो कि बंद हो चुका है मोबाइल नंबर, ताकि वहां से ओटीपी आपको आ जाएगा। ओटीपी जैसे ही डालते हो आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, लिंक, सारी जो जेंडर जो भी चीज है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसको फिलअप करने के बाद नीचे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में जाना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर दीजिएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर,
आइडेंटिटी टाइप जो भी होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी होगा, जो भी होगा, और उसका नंबर, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके नीचे फिलअप करनी है। और जाओगे तो आपको एड्रेस फिलअप करना है, जो कि प्रेजेंट एड्रेस होगा, प्रेजेंट एंड आपका परमानेंट एड्रेस सेम होगा, तो सेम एज के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो अपडेट कर दीजिएगा, बट यूजुअली आपने सेम एज भी कर दिया तो कोई भी ज्यादा दिक्कत उसमें होती नहीं है। उसके बाद आएगा एडेंट पासवर्ड। जैसे मैंने पासवर्ड को पहले भी बताया कि आप लोगों को पासवर्ड में सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली 8 से 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर एक, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, वो डाल दीजिएगा, उसको कंफर्म कर दीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपको आपका नाम, माता का नाम या फिर और भी दो क्वेश्चंस है, उसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना, उस क्वेश्चन का आंसर भी सिलेक्ट करके रखना है, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके स्क्रीन पे ये वाली स्लाइड दिख जाएगी, इस स्लाइड में सारे नाम आपको यहाँ पे मैंने, ठीक है, विजिबल नहीं किया है, बट सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आपको चेक करना है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, अगर नहीं है तो बैक जाके एडिट करके कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, अगर सही है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सब जगह पे टिक करके एग्री करके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टिक करके आपको दिख रहा होगा, एग्री कर दिया, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो इसके बाद आएगा आपके पास ओटीपी। ओटीपी आते ही आपको यहाँ पे आगे पूछा जाएगा ईमेल ओटीपी। अब आपको यहाँ पे किसका ओटीपी चाहिए होगा, आपके मेल आईडी पे जो आपने मेल आईडी दिया है उसका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दीजिएगा, ये कैप्चा डाल दीजिएगा और वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा सीएसआर नेट एग्जाम का, उस एप्लीकेशन नंबर को अब यहाँ पे ओके कर देते हो, नेक्स्ट लेयर पे यही पिछला वाला पार्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है, उस एप्लीकेशन नंबर को आप डाल देते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई जॉइन सीएसआर यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट जैसे आप करते हो तो आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, आपको इंफॉर्मेशन जो है ना वो फिलअप करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पर्सनल डिटेल्स आपके हो गए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हो गए, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर बात आ गई है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड मास्टर डिग्री, तो आपका बीएससीएमएस वाला 4 years का कोर्स है, या फिर आपका मास्टर डिग्री है एमएससी बीएससी पैटर्न में रहता है वो वाली डिग्री, अलग अलग टाइप्स की डिग्री आजकल होती है, तो आपका 4 years का कोर्स है या फिर एमएससी एंड बीएससी आपने नॉर्मल प्लेन किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप मास्टर डिग्री जैसे सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा मास्टर डिग्री डाल दी, अब उसके बाद आपको सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आप पास हुए कि एपियर्ड हो, ठीक है, अगर पास हुए तो कौन से ईयर में पास हुए हो, कौन से स्ट्रीम से, कौन से कोर्स से हुआ है, तो एमएससी इक्विवेलेंट डाल दीजिएगा, कौन से सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है वहां पे, ठीक है, एमएससी इक्विवेलेंट कोर्स क्या है तो एमएससी मैथमेटिक्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओके, यहाँ पे आपको इंडिया फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र डाला हुआ है आप अपना स्टेट रख दीजिएगा, बोर्ड डाल दीजिएगा, कॉलेज डाल दीजिएगा, कौन से मोड में आपका रिजल्ट था, परसेंटेज में था, सीजीपीए में था, वो डाल दीजिएगा, और उसके बाद फिर सीजीपीए का परसेंटेज, मैक्सिमम ग्रेड, तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है उसको डालना है, और डालते ही एंड में जाके सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके पहले यहाँ पे आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जैसे हो जाएगा उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप नीचे जाओगे स्पेशलाइजेशन इफ एनी, तो आपका मैथमेटिक्स रहेगा उसको स्पेशलाइजेशन में, वेदर यू पजेसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी कोर्स, तो आपने रिसर्च किया उसके ऊपर उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर है तो हाँ, नहीं तो नो, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, नो, ठीक है, एमफिल के बारे में इंफॉर्मेशन दिए तो आपका एमफिल हो चुका है क्या, मास्टर डिग्री हो चुकी है क्या, तो ये तो यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, ईयर्स ऑफ कंप्लीशन क्या है, मास्टर डिग्री कोर्स का स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है क्या, तो ये और एंड जाके कैप्चर कोड और ये डाके अगेन सबमिट आपको कर देना है। जैसे इसको सबमिट कर देते हो फिर आप आते हो कहाँ पे, एग्जाम सेंटर डिटेल्स पे, तो एग्जाम सेंटर डिटेल्स पे जाओगे स्टूडेंट, जैसे मैंने आज ही वीडियो बनाई थी इसमें क्या था, एक चीज थी यहाँ पे अप्लाई फॉर, आप किसी भी एक को अप्लाई कर देते हो, अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको किसको अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे कि आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पीएचडी भी करनी है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है,
तो आप यहाँ पे जेआरएफ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं, आपको और कोई आपको फेलोशिप भी नहीं चाहिए पीएचडी के लिए, तो पीएचडी ओनली कर सकते हैं। अगर आपको पीएचडी के साथ फेलोशिप चाहिए होगी तो आपको जेआरएफ फीस लेट करनी होगी। आई होप सभी स्टूडेंट को ये डिस्टेंस जो भी डिफरेंस है डिफरेंस समझ में आया होगा। तो बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो तीनों सिलेक्ट होते जा रहे हैं। अभी आप भी देख लीजिएगा, आप भी कर देंगे, बट मुझे लगता नहीं ये बहुत बड़ा मेजर इश्यू हो जाएगा। फिर भी अगर आपसे सही हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो भी रेफरेंसेस हैं, कहाँ से आप एग्जाम देना चाहते हो, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आपको प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑदर्स वगैरह ये चीजें रहती है, ज्यादा मैटर नहीं करती है, डोंट वरी। फिर भी आप प्योर मैथमेटिक्स डाल सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एंड में आके आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन आई एग्री करके सबमिट एंड नेक्स्ट को जाना है, ठीक है। अब जैसे वो जाते हैं उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसे मैंने पहले भी बताया आपको यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने पहले ओबीसी सिलेक्ट किया होगा तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, अगर आपने जनरल सिलेक्ट किया होगा तो ये कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ फोटो एंड सिग्नेचर आएंगे, उसको आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। बस मेक श्योर कि ये जेपीजी फॉर्मेट वाला हो और साइज जो है 10-200 एंड 4-30 केबी के बीच में हो। तो जैसे आप अपलोड कर देते हो वहां पे आगे व्यू का ऑप्शन भी आ जाता है, उसको भी देखे जा सकते हो। अब ये अब जैसे आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, एड में जाके, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते तो एड वाला ऑप्शन क्या रहता है, फाइनल सबमिट। ये जो डियर स्टूडेंट्स फाइनल सबमिट है ना, इसमें आपको अगेन जैसे आपके पहले मैंने बताया था कि सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, वैसे अगेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम, जेंडर, आर यू सिंगल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर, ओके, मदर्स नेम, आइडेंटिटी टाइप, कैटेगरी, ओके, डायबिटिक, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, नेशनलिटी, आइडेंटिटी नंबर, सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने अभी तक फिल की है वो एक ही पेज पे आपको दिखने लगेगी। और ये जो एक ही पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है वो एंड में जाके आपको, जैसे मैं यहाँ पे सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आपको नीचे आओगे और ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, और नीचे आओगे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, और नीचे आओगे आपको एंड में जाके सबमिट करने के बाद, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे आपको ऊपर भी वो ऑप्शन मिल रहा है, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो सब कुछ होने के बाद आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट के बाद ये टास्क अभी आपका बचा हुआ है और ये भी टास्क आपका बचा हुआ करने का। तो फाइनल सबमिट के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो ये सब होने के बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो फिर से एंड में यही ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो क्लिक हियर के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। तो मोबाइल नंबर पहले आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी सेंड करने के लिए बोलना है, ओटीपी सेंड करने के बाद आपको फिर से मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन आएगा, वो डाल देना है, कैप्चा डाल देना है एंड वेरीफाई ओटीपी, नॉट रिसेंड ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी आपको करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ये हो जाता है अब जाके आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया और अब जाके आपको ये वाला स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसमें आपको सबके ऊपर टिक करना है कंफर्म करके कि हाँ आपने ये जो किया है ये परफेक्टली मेंशन किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। इसको क्लिक करने से पहले आपको वो सारी, जैसे आपका माय नेम है तो आपका नेम आपको चेक करना है, मदर नेम है मदर नेम चेक कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपने प्रॉपरली फिलअप की है या नहीं, और ये सब हो जाएगा तो फाइनल सबमिट का ग्रीन सिग्नल जो आपको दिख जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा, फिर आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिएगा तो इसका पर्दा खुल जाता है पेमेंट का। अब आपको करना है पेमेंट। अब पेमेंट जो आप करोगे तो पेमेंट करते टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पेना। पेना को आप सिलेक्ट कर देते हो तो आपके पास पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन दिख जाते हैं, ठीक है, SBI ईपे एंड ICICI, ठीक। तो इनमें से आप किसी न किसी एक बैंक अकाउंट से यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ICICI करने जाऊँ तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास फिर से ऑप्शंस आ जाते हैं, नेट बैंकिंग है, कार्ड से एंड UPI, ठीक है। इसमें आपको ऊपर आपके अमाउंट भी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो है इसको भी वेरीफाई करते चलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर वही दिखाई दे रहा है क्या, तो आप UPI करके या फिर नेट बैंकिंग वगैरह ये सारी चीजें करके आप किसी न किसी एक माध्यम से ये जो पेमेंट है उस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन दिख जाएगा, और जहाँ पे अब आप ओके करोगे, ओके करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका फी पेमेंट तीनों कंप्लीट हो चुके होंगे,
एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल वेरीफाई के ऊपर भी ग्रीन सिग्नल, पेमेंट के ऊपर भी ग्रीन सिग्नल, और अब जाके आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुल मिला के इस प्रोसीजर के साथ अगर आप चलोगे तो एक परफेक्ट वे से आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम, कुछ भी इश्यू आ जाता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जरूर खुला पड़ा है, आप लोगों के लिए है, तो आइए और उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो प्रिपरेशन होगी, उस प्रिपरेशन में सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का यह होगा कि IFS के ऐप में आपको ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन, सारा कंटेंट यहां पे मिल रहा है, बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आप एग्जाम के डेट्स तो ऑल अबाउट एग्जाम्स हो, कट ऑफ हो, पेपर एनालिसिस जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए आपको पता होना चाहिए क्या कट ऑफ रह चुके हैं रिसेंटली, उसी के साथ साथ पेपर एनालिसिस कौन क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में, फ्री लेक्चर के बारे में एंड प्योर के बारे में। तो ये सारी जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है हमारे IFS के ऐप में अवेलेबल है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्रीली रजिस्टर्ड कर दीजिएगा, जिसके बाद आपको ये सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा। So all the very best students for your preparation for your upcoming 2 months and exam as well, and happy learning. Thank you.